छह साइंस जो बताते हैं आपका फोन हैक्ड है। डिजिटल एज में निश्चित रूप से पता चलने वाली हर चीज की सिक्योरिटी के लिए अगला कदम है इनक्रिप्शन। हमारी निजी जानकारी, चाहे वो टेक्स्ट, फोन कॉल या ईमेल, को हैकिंग टेक्नोलॉजी या बड़ी एजेंसीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हर दिन नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के साथ इंटरनेट पर हर चीज आसानी से एक्सेसिबल हो रही है, फिर किन तरीकों से हम खुद को बचा सकते हैं और इंश्योर हो सकते हैं कि हम पर जासूसी तो नहीं हो रही? अगर आप उत्सुक हैं कि कैसे पता लगाया जाए आपका फोन हैक्ड है, तो आप सही जगह पर आए हैं। चाहे आपके पास आईफोन, एंड्रॉइड या कुछ और हो, ये टिप्स आपके लिए मददगार रहेंगी। देखते रहिए ये जानने के लिए कि आपका स्मार्टफोन हैक हुआ है या नहीं और किन तरीकों से इसे रोका जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही डेली टिप्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। छठा, आपकी बैटरी। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है, तो हो सकता है कि आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई अननोन ऐप चल रही हो। अगर आमतौर पर आपकी बैटरी लाइफ अच्छी है और रिसेंटली आप नोटिस कर रहे हैं कि वो ड्रेन हो रही है, तो ये खतरे की बात है। ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण भी हो सकता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या फोन स्टोर पर ले जाना अच्छा होगा ताकि उन संभावनाओं को खारिज कर सकें। पांचवा, आपका फोन रीस्टार्ट होता रहता है या अजीब चीजें करता है। अगर आपका फोन लगातार खुद से रीस्टार्ट, टर्न ऑफ, ऐप को स्टार्ट या रैंडम नंबर डायल करने लगे, तो ये आपके फोन में घुसपैठ करने वाला हैकर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा यदि आपका फोन अपने आप ऑन ऑफ होता है या रैंडमली एप्स बंद या खुलने लगती हैं। साथ ही अगर आप अपने फोन से रैंडम नंबर्स डायल या टेक्स्ट होते देखते हैं, तो ये एक और रेड फ्लैग है। इसलिए इस प्रकार की अजीब हरकत पर नजर रखें। चौथा, आपका फोन गर्म होने लगा है। यदि आपका आईफोन, एंड्रॉइड या अन्य डिवाइस यूज ना करने के बावजूद लगातार गर्म है, तो ये बैकग्राउंड में अज्ञात ऐप चलने का साइन हो सकता है। आमतौर पर फोन ओवरहीट नहीं होना चाहिए। हीटिंग का मतलब है कि ये ज्यादा यूज हो रहा है या डिफेक्टिव है। यदि आपका फोन रैंडमली ओवरहीट होने लगे, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे या किसी भी ऐप को नहीं चला रहे, तो आपको फोन चेक कराना चाहिए। मोबाइल डिवाइस कभी भी गर्म नहीं होनी चाहिए, खासकर जब आप इसे ज्यादा यूज नहीं कर रहे। पर जब आप ज्यादा यूज करते हैं, तो सामान्य रूप से मोबाइल उपकरणों को बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, इसलिए अगर आपका फोन ओवरहीट होने लगे, तो इसे चेक कराकर सुनिश्चित हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि हैकर्स मोबाइल डिवाइस हैक करने की कोशिश में किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? खैर, पता लगाने के लिए अंत तक देखें। तीसरा, अननोन नंबर्स। अगर आपके रीसेंट कॉल में कोई अननोन नंबर है, तो ये इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति विदेश से आपके स्मार्टफोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अगर आपको अननोन नंबर से कोई फोन कॉल याद नहीं, तो ये एक और वार्निंग साइन है। बस अपनी कॉल लिस्ट पर नजर रखें। अगर किसी अनयूजुअल रीजन से आप नोटिस करने लगे हैं कि आपकी लिस्ट में कई अननोन कॉल्स हैं, तो इसे खतरे की घंटी मानिए। दूसरा, आपके फोन को कंट्रोल करना। यदि आप अपने सेल फोन को ऑफ नहीं कर पा रहे या ब्राइटनेस और कैमरा जैसे सिंपल एप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इन कमियों के पीछे हैकर हो सकता है। आपको हमेशा अपने स्मार्टफोन को पूरा कंट्रोल कर पाना चाहिए। अगर किसी स्ट्रेंज कारण से आप इसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते, या वॉल्यूम बदलना, ब्राइटनेस कम करना या एक पिक्चर क्लिक करने जैसे सामान्य काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके फोन में कुछ गड़बड़ है, और ये भी संभावना है कि हैकर के कारण ये डिफेक्ट्स हो रहे हैं। स्मार्टफोन को यूज करना आसान होना चाहिए, और जब सरल चीजें मुश्किल या असंभव लगने लगे, तो ये खतरनाक है। पहला, नॉइज या एकोज। यदि आप फोन कॉल के दौरान एको नोटिस करने लगे हैं उन जगहों पर जहां इस तरह का इशू पहले कभी नहीं हुआ, तो सतर्क रहें।
फोन कॉल के दौरान एको का मतलब है कि कोई आपकी बातें सुन रहा है। इसके साथ अगर अजीब आवाजें भी सुनाई दें, तो ये आपके स्मार्टफोन के हैक होने का साइन हो सकता है। खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? नई टेक्नोलॉजी को कई तरीकों से यूज करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि फुल यूआरएल कोड के बिना कोई मैसेज मिलता है तो उसे ना खोलें। यदि अपने स्मार्टफोन को फॉरेन केबल से चार्ज करते हैं तो ओनली चार्जिंग ऑप्शन चुनें। हर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बजाय इसे ऑफ करें। और आखिरकार पब्लिक नेटवर्क पर खरीदारी ना करें और रिमेम्बर पासवर्ड ऑप्शन को यूज ना करें जब तक सिक्योर्ड नेटवर्क पर ना हो। आप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हैकर्स को आपकी जानकारी चुराने में मदद करती है। अगर आप अपने फोन को अलग तरह से काम करते नोटिस करना शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में बताए गए किसी भी अजीब बिहेवियर को देख रहे हैं, तो अपने फोन को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर या ट्रस्टेड मोबाइल डीलर से जांच करवाएं। इन स्टोर्स के एक्सपर्ट्स मोबाइल डिवाइसेस को देखकर बता सकते हैं कि आपके फोन में क्या इश्यू है। अब आप जान गए हैं कि फोन हैक होने पर कैसे पता लगाया जा सकता है, तो यहाँ कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे फोन हैक हो सकता है। पांचवा, स्पाई एप्स। किसी हैकर के लिए पहला और शायद सबसे आसान तरीका है मैन्युअली आपका फोन लेकर स्पाई ऐप को इंस्टॉल करना। स्पाई ऐप आपके फोन में स्टोर्ड प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले सकती है। इनका उपयोग आपकी बातचीत सुनने के लिए और एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। चौथा, अनप्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क्स। दूसरा और शायद उतना ही आसान तरीका है असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क को यूज करना, जैसे कि कैफे या एयरपोर्ट पर। पब्लिक वाईफाई होने से ये सभी के लिए ओपन है, तो आपके आसपास के सभी लोग आपके ट्रैफिक को देखने के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा, यूएसबी केबल। फॉरेन यूएसबी से फोन को चार्ज करने का तरीका काफी कम लोगों को पता है। अगर आप अपने फोन को अनजान यूएसबी से प्लग या चार्ज करते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर और रिवील होने का जोखिम हो सकता है। दूसरा, एसएमएस फिशिंग। एसएमएस फिशिंग तब होती है जब कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीवर को ये कहते हुए भेजा जाता है कि वो बैंक स्टेटमेंट या मनी ट्रांसफर के बारे में है, और उसे ओपन करके डाउनलोड करने पर ये संभवतः आपके स्मार्टफोन में वायरस रिलीज करके संवेदनशील जानकारी को रिवील कर सकता है। पहला, सिग्नलिंग सिस्टम SS7। सिग्नलिंग सिस्टम SS7 जो दुनिया के अधिकांश टेलीफोन स्टेशन यूज करते हैं, उसे हैकर्स द्वारा घुसपैठ किया जा सकता है। जो आपके फोन कॉल सुन सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं और आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो खुद को और अपने फोन को सुरक्षित रखें। सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मोबाइल डिवाइसेस बहुत महंगे, और अगर आपका फोन हैक होने का खतरा है तो ये पोटेंशियली डैमेज हो सकते हैं। ये न केवल डैमेज होंगे, बल्कि हैकर्स आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के साथ आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस और फोन कॉल्स सुन सकते हैं। ये आपकी प्राइवेसी पर बहुत बड़ी दखलअंदाजी है और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में बताए हुए साइंस पर नजर रखें और अपने फोन को अपनी लाइफ के साथ सुरक्षित रखें। अब जब आप जानते हैं कि कैसे बताया जा सकता है आपका स्मार्टफोन हैक है और उनकी सिक्योरिटी टिप्स भी जानते हैं, तो इन पर नजर रखिएगा। आपके पास किस प्रकार का फोन है? आईफोन, एंड्रॉइड या कुछ और? क्या आपका फोन कभी हैक हुआ है? अगर हाँ, तो क्या हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया? लाइक बटन हिट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.